देखिए, अगर आप भगवान को अपने घर में विराजमान करते हैं, हर घर में पूजा स्थान तो होता ही है। आप लोग ध्यान से सुनेगा, आपके जीवन में बहुत उपयोगी बात है। हर घर में पूजा मंदिर होना चाहिए। जिस घर में पूजा मंदिर नहीं होता, उस घर में कभी भगवान नहीं आते। क्योंकि हम अपने लिए तो बड़ा सा बेडरूम बनाते हैं, अपने लिए अपना वॉशरूम भी बहुत अच्छा बनाते, बहुत बड़ा बनाते हैं। लेकिन जिस घर में सभी सदस्य के लिए अलग अलग रूम है, उनके अलग अलग सुविधाएं हैं, लेकिन छोटा सा पूजा मंदिर भी आपके घर में नहीं है, तो भगवान आपके घर में नहीं आता। घर बनाओ, लेकिन पहले भगवान के लिए भी एक कमरा बनाओ। जब कोई भी बात करता है मकान बनाना है, इंजीनियर से मिलते हैं, नक्शा कैसा हो, तो उस समय सब कोई कहते हैं कि यहाँ हॉल हो, लिविंग एरिया ऐसा हो, इधर डाइनिंग टेबल रखेंगे, बेडरूम इतना बड़ा होना चाहिए, बाथरूम इतना बड़ा होना चाहिए। लेकिन पहले से कोई नहीं कहता कि भगवान का रूम भी ऐसा होना चाहिए। वो तो बाद में जब घर बन जाए, सबके लिए जगह बट जाए, फिर थोड़ा सा अगर खाली स्पेस बचा तो वहां एक टेबल रख दिया, फिर दो चार भगवान को वहीं रख दिया। प्यार से बोलो राधे राधे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब हमें अपने लिए सुविधाएं चाहिए तो भगवान के लिए भी दो। आपके घर में एक पूजा मंदिर तो होना ही चाहिए, और उस मंदिर में भगवान की ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो कि भगवान आपसे बड़े प्रसन्न हो जाए। हम लोग क्या करते हैं, एक कभी वृंदावन गए तो गोपाल जी ले आए, अयोध्या गए तो एक राम जी उठा करके लाए, और ये बनारस चले गए तो एक शंकर जी ले आए। फिर घर में छोटा सा मंदिर है, कोने में रखा है छोटा सा अलमारी, वहां तीन चार भगवान को रखा, और उसके बाद में अपने लिए गर्मी का टाइम चल रहा, एसी चलाए, लेकिन भगवान को एक पंखा भी नहीं है। भगवान गर्मी खा रहे दिन भर, रात भर पसीना आ रहा है, और सुबह सुबह तो सबको ही नहाते नहाते कि नहीं नहाते, कौन कौन सुबह नहाता हाथ उठा था, सब नहीं नहाते, मतलब कि सात दिन में तो एक बार नहाते होंगे, हाँ वो भी नहीं नहाते क्या? हम सब सुबह नहाते, लेकिन भगवान को, आप लोग भगवान को स्नान कराते नहीं कराते? क्योंकि पता ही नहीं है, होंगे कुछ लोग कराते होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे हैं स्वयं तो नहा लेते हैं, वो भी 12-1 बजे, लेकिन भगवान के लिए स्नान नहीं कराते। आपने घर में भगवान को विराजमान कराया है तो रोज स्नान कराओ। संभव हो तो दूध दही घी शक्कर शहद मिलाकर के पंचामृत से स्नान कराओ। संभव ना हो तो खाली पानी से, जल से स्नान कराओ, और 15 दिन में एक बार पंचामृत से एकादशी में स्नान कराओ, और उसके बाद में सुंदर वस्त्र धारण करो। हम अपने लिए तो अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, कहीं भी जाना हो, कोई भी त्योहार हो, हर बार नए नए कपड़े चाहिए, लेकिन भगवान के लिए एक पीला सा वो वस्त्र छोटा सा टुकड़ा लपेट दिया, और महीनों बीत गया, वो टुकड़ा वो कपड़ा कभी भगवान से उतारा नहीं, उसको चेंज नहीं किया। लेकिन हम तो रोज चेंज करते हैं ना कपड़े, भगवान के लिए भी करो, सुंदर वस्त्र उनके लिए भी लाओ। और खाने में हमें अच्छा अच्छा चाहिए, दाल चावल रोटी सब्जी अचार पापड़ सलाद हम खाते हैं, लेकिन भगवान के लिए थोड़ा सा मिश्री दे दिया कभी कभी, खाना है तो खाओ नहीं तो भूखे रह जाओ। इस भाव से फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने घर में भगवान को विराजमान कराते हैं तो आपको भूख लगती, उनको भी लगती, दाल चावल खिलाओ, जो आपको पसंद है भगवान को भी खिलाओ।
और उसमें तुलसी पत्र डालो, भोग लगाओ। अगर आपके घर में दोपहर में नाश्ता बन रहा है, सुबह नाश्ता बन रहा है, तो सुबह नाश्ता भी करा दो, भगवान को भी कराओ। लेकिन हाँ, जब आप अपने घर में भोजन बनाते हैं तो शुद्ध भोजन बनाए, स्नान करके पवित्र होकर के भोजन बनाए, फिर ऐसा भोजन का भोग ठाकुर जी को लगाए, भगवान को लगा दो, और उस भोजन का प्रसाद आप सब मिलकर के पाओ, तब देखना कितना आनंद हो जाएगा, आपको सुख मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। ये नियम रोज अपने जीवन में अवश्य ही करो। प्यार से बोलो राधे राधे।